क्योंकि कुछ लोग ये सोच रहे थे कि ये फिल्म की जैसे कुछ टीजर आ रहे थे और लोगों को ये लगा कि ये कुछ ऑफबीट फिल्म है, सेक्स के ऊपर है या कुछ है, इसलिए मैंने अपने प्रोड्यूसर से दरख्वास्त की कि अभी बॉम्बे में जितनी पब्लिसिटी करो, बैनर्स लगाओ, उसमें ऐसा कुछ लोगों को नहीं लगे और फैमिली वाले इस पिक्चर को देखें। ऐसा ही हुआ, इन्होंने बैनर लगा दिया सोलो मेरा, चलो अच्छा है, सोलो लगाया, जनता का ज़्यादा आना शुरू हो गया और लोगों को ये फिल्म आज मीडिया ने देखी है और सबने देखी है। ये थिएटर और बढ़ा रहे हैं, यानी कि थिएटर तभी इंसान बढ़ाता है जब फिल्म के अंदर चार पैसे मिलते हैं, तो अच्छा है, इनको हिम्मत मिली है, अब अच्छी और फिल्म बनाएंगे। दिल्ली के नए प्रोड्यूसर, पहले एक फिल्म बनाई इन्होंने, किन के साथ बनाई थी, सुखविंदर जी, सुखविंदर जी को हीरो लेके बनाया था, लेकिन इनको उस टाइम एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन अब इस फिल्म में इनको एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है, चार पैसे मिले हैं। इनका कहना है कि मैं एक रुपया भी दिल्ली प्रॉफिट में नहीं लेके जाऊंगा, जो भी ऊपर का मिलता मैं NGOs, गरीब लड़कियाँ हैं उनकी परवरिश, जिनके माता पिता नहीं, जो बीमार हैं, हॉस्पिटल्स, इन सब के लिए आज काफ़ी NGOs आए हैं, इन्होंने चेक दिए हैं और 19 तारीख को ये 20 NGOs को और बुला के सबको चेक दिए। सर, इसके अलावा नंबर्स में कितना बिलीव करते हैं और अगर उस बारे में कुछ बताएं कि 5 करोड़ अराउंड? सर देखिए, अगर जो फिल्म 70-75 या 1 करोड़ में बनी हो, आज तक वो 5 करोड़ का बिजनेस कर जाए तो बहुत बड़ी हिट है। मैंने कितनी फिल्में ऐसी देखी हैं जो इसके साथ 5 फिल्में रिलीज हुई हैं। सर, मैं सबको दिल से बोलता हूँ कि सब हिट होनी चाहिए, लेकिन इस फिल्म ने, एक छोटी सी फिल्म ने 4 फिल्मों को इनसे ज़्यादा कलेक्शन, बाजार के नेक टू नेक थोड़ा बाजार तो हिट है, बहुत अच्छा है। मैं सैफ अली खान के लिए बहुत खुश हूँ, एक अच्छा कलाकार है, अच्छा काम किया है, लेकिन ये छोटी सी फिल्म उनके साथ चल रही है, बहुत खुशी होती है। सर, अभी इनका ओवरसीज बाकी है, म्यूजिक बेचना है, TV राइट्स हैं, सैटेलाइट, ये सब है, उसमें से बहुत पैसा मिलेगा। सर, अभी ये सब चलेगा TV पे, सब TV, अब सैटेलाइट वाले आने वाले, म्यूजिक वाले आने वाले, उसमें भी इनको मिलेगा 5-7-8 करोड़ तो कहीं नहीं गया। और पिक्चर अभी इन्होंने थिएटरों में बढ़ाई है, तो मतलब बड़ा इंसान कब बढ़ाता है, जब 4 पैसे मिलते, नहीं तो पल्ले से देना पड़ता है, तो मतलब हिम्मत है। छोटी सी फिल्म ठीक ठाक चल रही है, बस इनकी नियत अच्छी है, भगवान करे बस। सर, बिजनेस के अलावा जिस तरह का इनिशिएटिव उन्होंने लिया है NGOs को, जैसे आपने बताया कि नहीं, आप सामने आपके NGOs है, वो सामने है, NGOs की एक लेडी इधर आ जाएंगी तो अच्छा है, NGO की कोई भी है, आइए आइए आइए। मैंने इनसे वादा किया है कि मैं जब बाहर गाँव से वापस आऊँगा, सबसे पहले मैं इनके स्कूल में जाऊँगा, इनके स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं और फाइनेंशियली इनको अगर कोई हेल्प करता है तो उससे कितना फ़ायदा होता है, ये खुद बताइए। हाय एवरीबॉडी, वी आर फ्रॉम प्रयास, वी आर एसोसिएटेड विद प्रयास। हमारे यहाँ करीब 450 बच्चे रोज पढ़ने आते हैं दोनों समय, और हम उन्हें मुफ्त शिक्षा देते हैं, प्लस दोनों टाइम का खाना उनको देते हैं, जिसमें से मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि 250 से ज़्यादा सिर्फ गर्ल्स हैं। सो वी आर रियली फीलिंग प्राउड कि वी आर ट्राइंग टू हेल्प द गर्ल्स टू गेट द एजुकेशन एंड कम अप इन लाइफ, एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल टू सर फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव and giving the donations to the NGOs which will help the girl students specially to come up in. Very good. Sir, काफी emotional moment है, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ बोलिए ना सर। देखो, मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि मेरी जो इच्छा थी वो द जर्नी ऑफ कर्मा, हमारी ये फिल्म है, उसने उस इच्छा के अंदर कुछ और इंक्रीज किया है, और मेरा हौसला इतना और ज़्यादा बढ़ा है कि मैं ये सोच रहा हूँ, जैसे पहले हमने फिल्म आप देखो तो उसमें लिखा था भाई 10% हम जो है अपनी जो आर्थिक रूप से मदद करेंगे बहनों की, हमारी बेटियों की, अब मेरा हौसला इतना बढ़ा कि मैं कह रहा हूँ कि भाई 10 नहीं, मेरे को ये पैसा लेके तो जाना नहीं है कहीं पे, ठीक है, मैं सोचता हूँ उनकी 20% अब जो है उनकी और इससे बढ़ा दें, हौसला इतना बढ़ा मेरा। तो शक्ति जी का चेक पड़ेगा कि नहीं इस बार? नहीं, मेरे को नहीं चाहिए शक्ति। अच्छा, शक्ति जी ने क्या है, आप यकीन मानिए जितना सहयोग इस फिल्म के अंदर शक्ति जी ने इस सब्जेक्ट को देखते हुए किया है कि भाई ये सब्जेक्ट जो है हमारी आर्थिक रूप से कमजोर बहनों के लिए है, इसलिए मैं इस सब्जेक्ट में नॉमिनल फीस लूंगा, मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, और इन्होंने ये मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ इन लड़कियों की मदद के लिए इन्होंने फ्री में ही काम किया, कोई पैसा नहीं लिया। बस वही है, वो वास्तविकता है, क्योंकि जब हम शूटिंग भी कर रहे थे तो मेरा एक ही कहना था कि मेरा स्टाफ है उसको अगर देना दे दो, तो स्टाफ वाले भी बोले कि नहीं सर, ये फिल्म थिएटर तक आनी चाहिए, हमने आपके साथ बहुत पैसा कमाया है,
और हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जब पिक्चर लगे तो इसका पैसा सही लोगों को जाना चाहिए, आज वही हुआ है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि हमें एक ऐसा दिल्ली के प्रोड्यूसर मिले हैं जो एनजीओस की मदद कर रहे हैं, लड़कियों की मदद कर रहे हैं, इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है। एक हमारी छोटी सी फिल्म है, लोगों का लगा कि क्या फिल्म बनी है, लेकिन लोगों को देखने के बाद, लोगों ने जब देखी फिल्म, सबको अच्छी लगी कि फिल्म ने एक मैसेज दिया है लड़कियों के लिए, औरतों के लिए। और ये हमारी छोटी सी फिल्म जो 9 या 10 दिन में बनी है, सक्सेसफुल हुई। हमारे प्रोड्यूसर जी ने वादा किया था कि 10% प्रॉफिट एनजीओस को देंगे, उन गरीब लड़कियों को देंगे जिनकी पढ़ाई में इनके माता पिता नहीं है, उनकी परवरिश के लिए। आज इन्होंने बोला मैं 10% नहीं 20% दूंगा। अगले हफ्ते हम 20 एनजीओस को और बुलाएंगे, गरीब लड़कियों को पैसा देंगे, जो भी हमको प्रॉफिट अभी ओवरसीज बाकी है, म्यूजिक बाकी है, वो उसमें से 20% काफ़ी अमाउंट है, हमारे प्रोड्यूसर जी उसमें से एनजीओस को देंगे। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बड़ी ताली, ताली। हमारी एनजीओ का कहना है कि इंदिरा जी का जन्मदिन, इंदिरा गांधी जी का जन्म, जो महान हमारे प्रधानमंत्री रहे, उनका जन्मदिन 19 को है, 19 को हम 20 और एनजीओ को बुलाएंगे, यही बुलाएंगे, और उनको जितनी मदद हमारे प्रोड्यूसर जी दे सकते हैं वो देंगे, अवश्य देंगे। और इसके बाद और बड़ी फिल्म बनाएंगे, अब हिम्मत आई है इनमें। तो इनका एक ही मकसद है कि दिल्ली के प्रोड्यूसर बोले मैं दिल्ली का हूँ, मुझे दिल्ली कुछ पैसा वापस लेके नहीं जाना है, मैं पैसा लगाता रहूँ, जितना पैसा लगाया है उतना आ जाए बहुत है, उतना नहीं भी आए फिर भी मैं एनजीओ का मदद करूँगा। इसलिए नीयत अच्छी है, फिल्म भी छोटी सी चली है और आज हमने केक काटा है। Thank you. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।